हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग का। तो आज देखते हैं इसमें क्या है। तो एक्चुअली मैंने इसको पहले अनबॉक्सिंग कर लिया हूँ, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको पहले, क्योंकि फ्लिपकार्ट का एक रूल्स था कि मैंने जब इसका ऑर्डर किया था तो उसमें एक रूल्स था कि आप OTP शेयर करने से पहले या तो फिर पेमेंट करने से पहले आप इसको खोल के देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ डैमेज इश्यू है या तो फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको खोल के दिखाने का एक रूल्स था, तो इसीलिए मेरे को वो डिलीवरी बॉय ओपन करके दिखा दिया था। तो फिर से आप लोगों के लिए एक बार न्यू और एक बार अलग से वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए और एक बार मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एंड तक देखते रहिए बस क्या है इसमें। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखिए भाई साहब इसमें क्या है। एक ईयरबड्स, ओके, 131 बोट का है, आप देख सकते हैं। और इसमें बोट का लोगो है और इसमें भी लिखा हुआ है बोट को मैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और कुछ ज्यादा नहीं है। इसके अंदर वो ये वाला ये डील वगैरह है, इसको मैं रख देता हूँ। तो गाइज मैं इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ से ओपन होगा, इसमें कुछ स्टिकर वगैरह ऐसे लगाया हुआ था। इसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया है। और इसको मेरे को कितना मिला, कितना रुपये में मेरे को मिला है मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या मेरे को मिला है ये देखिए। बोट का है, फैक फैक कार्ड ईयरबोर्ड्स, ये क्या है पता नहीं, मैं बाद में बताता हूँ आपको। और एक स्टिकर है बोट हेड का, और एक थैंक यू बोट हेड परचेस करने के लिए। और इसमें एक अच्छा बोट का जो जितना सारा वो ये है प्रोडक्ट है वो सारे स्पीकर वॉचेस और भी हेडफोन्स वगैरह जो कुछ भी है इस सेट में भी, हाँ बोट का जितना सारा प्रोडक्ट है ना वो सारे चीजें इसमें है। और ये रहा ईयर ऑफ 131 ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ, इसमें मैनुअल है, इसको कैसे यूज करते हैं दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। ये रहा अपना बोट का ईयरपोड्स। हाँ इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, हाँ दिखने में अच्छा। इसमें ये इंडिकेटर लाइट्स ऑन हो गया, इसको मैंने ओपन किया तो इसमें देखिए क्या है ये वाला और ये वाला, ये दोनों है। अभी देखिए लाइट ऑफ हो गया, इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। अच्छा ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये मेरे राइट हैंड में ये R लिखा है, लेफ्ट हैंड में L, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड का है ये राइट साइड का। और आपको ये लाइट दिख रहा है ये रेड वाला दिख रहा है आपको, रेड और ब्लू वाला आपको शायद नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें रेड और ब्लू ये दोनों हो रहा है। अगर मैं इसी मोबाइल पे ब्लूटूथ ऑन करूंगा तो ये उसमें कनेक्ट हो जाएगा, और इसमें एक बार कनेक्ट हो गया तो ये सिर्फ ब्लू लाइट ही ऑन होगा, ठीक है। अभी देखा ये इसका कुछ लाइटिंग का इंडिकेटर है, इसमें दिखा है कि कैसे ये काम करता है इंडिकेटर। ये देखिए ये वाला काम करता है, मतलब 2 सेकंड प्रेस करेंगे तो इसमें वॉइस असिस्टेंट है आपका मोबाइल का, जो गूगल का वॉइस असिस्टेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और 3 सेकेंड इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो इसका जो LED है वो ब्लू LED ऑन हो जाएगा और ये मैनुअली पावर ऑन हो जाएगा। अगर इसको आप 5 सेकेंड से ज्यादा आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, रेड कलर का लाइट ऑन होगा। और ट्रिपल टैप, आप इसको 3 बार टैप करेंगे तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैनुअल ऐसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं। और इसको पहले मतलब कनेक्ट करने के लिए और पहले आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए कैसे करना है ये सारी चीजें, और कुछ इश्यू कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लाइन ऑन ऑन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे इश्यू आता है तो आपको इसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको इसमें चार्ज लगाने के बाद ही यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आप इसको पहले 2 घंटा चार्ज कर लीजिए, उसके बाद यूज करेंगे। ऐसे कुछ छोटे छोटे बातें दिए गए हैं और कुछ नहीं, लेकिन मैंने इसको यूज किया हूँ मैं बता रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी तो अच्छा है और इसका बेस थोड़ा कम है,
लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, और इसका रेंज जो है 10 मीटर दिया गया है, लेकिन इसका रेंज भी सही है, बहुत बढ़िया। और इसका जो माइक है कॉल करने के लिए, मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने जब यूज किया था, मेरे को राइट साइड वाला का जो ईयरबड्स है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, और लेफ्ट वाला का पूरा क्लियर था, तो मैंने उसको रिटर्न करने का सोच रहा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि कुछ मैनुअल थोड़ा देख के ठीक अच्छे से यूज कर लेते हैं, शायद कुछ गलती है, तो मैंने उसको अच्छे से मैनुअल चेक करके उसको फिर मैंने चार्ज में लगाया। पूरा फुल चार्ज होने के बाद मैंने जब यूज किया तो देख रहा कोई वो काम सही कर रहा है, मैं थोड़ा शायद उसमें चार्ज की कमी थी या कुछ ऐसे प्रॉब्लम था, तो मैंने देखा कि वो सही से काम कर रहा था, ठीक है, तो ज्यादा कुछ इशू नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, और बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। और इसमें इंडिकेटर ये है 3 वाला, तो ये चार्जिंग का है, ये शायद 30% और ये 70% या 100%, ये ऐसा चार्ज का मतलब इंडिकेटर्स है, और ज्यादा कुछ नहीं, इसको बस आप ओपन कीजिए और सीधा आप प्लग कर सकते हैं, ये स्टार्ट ऑन मोड में रहता है। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत बढ़िया है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक बोट का ओपनोड स्पीकर था, तो उसका भी बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है, और बोट का जैसे ब्रांड का नाम भी है, तो इसका साउंड क्वालिटी तो सही है और बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है, कोई फिकर नहीं, आप आराम से ले सकते हैं। और इसका मेरे को प्राइस जो मुझे मिला है ये 1000 का मिला है, ठीक है, तो उसमें ऑफर कुछ था या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को ये 999 रुपीज में मिला है, और मैंने नेक्स्ट डे इसको चेक किया था तो उस दिन मेरे को ये दिख रहा था 1200, तो फिर भी सही है। और मैंने दुकान दुकान में भी जाके पूछा था, वो भी बोल रहा था कि 1200 का आएगा, तो फिर भी मेरे को 1000 में मिल गया है और बढ़िया है। और इसमें और एक चीज मैंने दिखाना भूल गया, ये वाला एक चीज है, इसमें केबल है, सी टाइप का केबल है और कुछ नहीं, चार्जिंग के लिए इसमें तो दिया गया है कि आप इसे 5 वोल्ट और 2 एम्पियर की चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं, अभी जितना सारा स्मार्टफोन का चार्जर है आप आराम से उसी से चार्ज कर सकते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं बस इतना सा, लेकिन परचेस करने के बाद अच्छा लगा कि क्वालिटी तो सही है, मतलब जितना सारा ब्रांड का चीज होता है ना उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लेता है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से वो सही रहता है, अगर आपको लेना है तो बोट को आप आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं आराम से, आप दुकान पे भी ले सकते हैं और ऑनलाइन पे भी, शायद आपको ऑनलाइन में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, ठीक है, तो आराम से ले सकते हैं, कोई बात नहीं, बस इतना सा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।